Horizon Hospital, विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध, जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज, Horizon Hospital, जलविहार कॉलोनी, कटोरतला, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल साहू और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दोपहर की 10 बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया। रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती थे अजीत जोगी। आपको बता दें, 9 मई को सुबह अजीत जोगी तैयार होने के बाद अपने लॉन में व्हीलचेयर के माध्यम से टहल रहे थे। उसके बाद उन्होंने गंगा इमली भी खाया था, जिसके बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। गंभीर स्थिति में राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित श्री नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था। बीते 15 दिनों से वे कोमा में चल रहे थे और आज दोपहर 3:30 बजे उन्होंने श्री नारायणा अस्पताल में अंतिम सांसें ली। लॉकडाउन में मिल रही रियायतों के साथ अब फिल्म और टेलीविजन की शूटिंग के लिए प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य किया गया है। साथ ही टचिंग और स्मोकिंग जैसे सीन्स पर रोक भी लगाया गया है। एशिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज भारत में मिले हैं और पूरी दुनिया में 90 स्थान पर पहुंच चुका है भारत। मौसम विभाग ने जारी की रिपोर्ट, कहा दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून के समय पर आने की उम्मीद है। बीसीसीआई ने कहा कोरोना के बाद अक्टूबर नवंबर में करवा सकते हैं आईपीएल। विदेशी खिलाड़ी जो आईपीएल का हिस्सा है वो भी खेलेंगे मैच। गृह मंत्रालय के फेसबुक पेज पर कर्मचारी ने गलती से तूफान की जगह लगा दी शराब की तस्वीर। राम गोपाल वर्मा ने लॉकडाउन में शूट की फिल्म कोरोना वायरस का ट्रेलर रिलीज किया गया। सोनू सूद के बाद प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए अक्षय कुमार आए सामने। मजदूरों के खाते में डाले गए 45 लाख रुपए। टिड्डी दल का खतरनाक प्रकोप पूरे देश में दिख रहा है। बहुत सारी फसलों को टिड्डी दल ने नुकसान पहुँचाया है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।